प्यारे बच्चों, गुडविल्स लर्नर्स चैनल में आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप इस चैनल द्वारा दी गई क्लासेस में लाभ उठा रहे होंगे। आज आपकी तीसरी क्लास है। दोनों कक्षाओं में मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। हमने पहले पढ़ा कि वो हवा जब राधिका के पास महल में प्रवेश करती है तो राधिका जी किस प्रकार परेशान हो जाती है। उस हवा को अपने विचारों को व्यक्त करती, किस प्रकार उसे कह रही है कि तू यहाँ से जाएगी तो मेरी व्यथा किस प्रकार, तुझे रास्ते में क्या क्या चीजें मिलेंगी, तुझे वहां नहीं रहना, सीधे सीधे श्री कृष्ण के पास जाना है और मेरी व्यथा को सुनाना है। उन्हीं शब्दों का वर्णन किस प्रकार अयोध्या से उपाध्याय हरिहोत जी ने किया है। तो कहती है कि जाते जाते मथुरा धाम में उत्सुकता हो। इस तरह तो धीरे धीरे जाती है, वहां कहां पहुंच जाएगी, मथुरा धाम में पहुंच जाएगी, मथुरा नगरी में पहुंच जाएगी। न्यारी शोभा नगर की, उस नगर की शोभा बड़ी अद्भुत है, बड़ी सुंदर है, उसे तू देखना, अच्छी तरह से मुग्ध न होना, परंतु आमोहित न होना। तू होवेगी चकित, तू आश्चर्य पड़ जाएगी, लख कहते देखकर मेरू के मंदिरों को। मेरू कहते पर्वत के समान ऊंचे, यानी जो मंदिर वहां पर्वत के समान ऊंचे हैं, उन्हें देखकर के तू आश्चर्य में पड़ जाएगी। आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्थ से, उनके कलश ऐसे चमकते हैं जैसे सूर्य दमक रहा हो, उन मंदिरों के कलश सूर्य के समान दमकते हैं। देखे पूजा सके मथुरा मंदिरों के मध्य जाना। हे हवा, जब मंदिरों में आरती का समय हो, पूजा का समय हो, उस समय तू मंदिरों में जाना। नाना वाद्य मधुर गुरेश्वर की मधुमत्ता को बढ़ाना, वहां जो संगीत के यंत्र बढ़ रहे हो, बज रहे हो, उनकी आवाज को तू अपनी अपने आप से उनकी आवाज को तू और अधिक मधुर करना। किवा लेके रुचिर तरु शब्दकारी फलों को, कहीं से सूखे पत्ते फलों को लेकर के उन यंत्रों की आवाज के साथ तुझे अपनी आवाज मिलानी है। धीरे धीरे मधुर से मधुर हो जाना, बड़े धीरे धीरे मीठी आवाज में तुझे उन पत्तों से फलों से जो है उस संगीत की आवाज निकालनी है। हवा, जाते जाते जैसे जैसे तू आगे जाएगी तो तू मथुरा नगरी में पहुंच जाएगी, और मथुरा नगरी में इतनी सुंदर नगर है, वहां की शोभा को देखकर तुझे क्या नहीं होना है, मोहित नहीं होना है, तुझे अपने कार्य में लगा रहना है। वहां के पर्वत के समान ऊंचे मंदिरों को देख करके तू आश्चर्य में पड़ जाएगी, और उन मंदिरों के कलश सूर्य के समान दमकते हैं, परंतु तू उन मंदिरों में पूजा के समय जाना, जब उनमें पूजा हो रही हो, आरती हो रही हो, उस समय तुझे उस मंदिरों में जाना है और प्रकृति की चीजों से, पत्तों से, पेड़ों की कुछ चीजें उठा करके उनके संगीत को, उन चीजों से आवाज निकाल कर उनके मधुर संगीत को तुझे और अधिक मधुर बनाना है। तू दिखेगी जलद तमसा वहीं तक दाह हो, जैसे ही तू आगे बढ़ेगी तो बादल के समान शरीर वाला, जो अपने आप में बिल्कुल तल्लीन हो, तकदार कहते तल्लीन रहने वाला, होंगे नैन उसके ज्योति उत्तीर्णकारी, उसके आंखें बड़े सुंदर होंगी, उत्तीर्णकारी यानी फलदायी देने वाली होंगी, चारों ओर प्रकाश बिखेरने वाली होंगी। मुद्रा होगी बदन, मुद्रा होगी बदन सी, मुद्रा कहते हैं उनकी स्थिति कैसे होगी, सुंदर मुख वाली होगी, सीधे सीधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, वे बड़ी मीठी भाषा बोलने वाले होंगे, उनके वचन अमृत के समान लगेंगे। नीचे नीले फूल कमल सी श्याम की ज्ञान की, उनके शरीर की चमक जो नीले प्रकार के पुष्प होते हैं उनके समान उनके शरीर की चमक तुझे दिखाई देगी। पीला प्यारा वसन पट्टी में पहनते, पीला शरीर पर पीला वस्त्र पहनते हैं जो बड़ा सुंदर दिखाई देता है। छुट्टी काली मुख की कांति को बढ़ाती, उनके मुख पर उनकी पड़ी हुई घुंघराली लटाए उनके शरीर को सुंदरता को और अधिक बढ़ाती है। सद वस्त्रों में नवल तंगी प्रभुषी फूटती है, उनके सामने शरीर पे पीले वस्त्रों की कांति ऐसे फूटती है जैसे सुबह सुबह का पीला पीला सूर्य उग रहा हो। जैसे जैसे तू थोड़ा आगे बढ़ेगी तो वहां बादल के शरीर वाला, बादल के शरीर समान शरीर दिखाई देने वाला श्री कृष्ण
तुझे दिखाई देगा, जो अपने आप में तल्लीन होगा, अपने काम में तल्लीन होगा, लगा हुआ होगा, उनकी आंखें चारों ओर प्रकाश बिखेरने वाली होंगी, उनकी मुद्रा शरीर की स्थिति बड़ी सुंदर होगी और शरीर उनका कांतिमान होगा, चमकदार होगा, सीधे साधे वचन शुद्ध होंगे, उनके वचन, उनके बोलने वाली भाषा बहुत सुंदर होगी, बहुत मीठी होगी, मन को मोहने वाली होगी, नीले फूल कमल दल से ज्ञात क्षमता, नीले फूल के समान उनके शरीर का सावलापन तुझे दिखाई देगा, पीला प्यारा वसंत पट्टी में पहनते हो पीला, पीले वस्त्र उनके शरीर पर बहुत अच्छा पकता है, पीले वस्त्र तुझे पहने हुए दिखाई देंगे, परंतु और छूटी काली अलग मुख पर उनकी घुमरल लटाई मुख पर बड़ी बड़ी शोभायमान दिखाई दे रही होंगी, सद वस्त्रों में नवल कंकी भूमि पर भाषी, इस तरह उनके सच्चे पीले वस्त्रों में सुबह सुबह की पीली धूप के समान आभा दिखाई दे रही होगी, चमक दिखाई दे रही होगी। सांचे ढाला वाला वपुव इंद्र संजाली, इस तरह मजबूत शरीर वाला अद्भुत सौंदर्य वाला व्यक्ति तुझे वहां दिखाई देगा, सत पुष्पों की सुरभि उसकी प्राण कोशिका है, सत पुष्पों की यानी सभी प्रकार के पुष्पों की सुगंध उसके पास जाने से आती है, दोनों कंधे वर्षभ से उसके कंधे बैल के समान मजबूत तुझे दिखाई देंगे, बड़े ही सजीले बड़े सुंदर दिखाई देंगे, लंबी सी बाहें कसर कलम करके हाथी की सूंड के समान उनकी बाहें बहुत लंबी तुझे दिखाई देंगी, और शक्ति की पेटिका उनमें ताकत की वे खजाना है, उनमें ताकत का अद्भुत मिसाल है, उनकी बाहें अद्भुत उनमें ताकत है, राजाओं का सिर पर लसादी व्यापीर होगा, राजाओं के समान उनके सिर पर एक मुकुट पहना हुआ उन्होंने होगा, शोभा होगी उभय श्रुतु की स्वर्ण कुंडल होगी, उनके कानों में सोने के कुंडल होंगे, उनकी आभा बड़ी चमक उनके चारों ओर दिखाई देती होगी, नाना रत्नित भुज में मयूर होंगे, उनके विभिन्न प्रकार के रत्न आभूषण उनके भुजाओं में भी जड़े हुए होंगे, मोती माला लसित उनका कंबूसा कंठ होगा, उनके गले में मोतियों की माला पड़ी होगी, वे बहुत सुंदर तुझे दिखाई दे रहे होंगे। ऐसे हवा बड़े मजबूत हस्त पुष्ट वाला युवक अद्भुत सौंदर्य वाला तुझे आगे दिखाई देगा, सभी प्रकार के पुष्पों की सुगंध उसके पास जाने पर तुझे आएगी, उसके दोनों कंधे बैल के समान मजबूत तुझे दिखाई देंगे और बड़े ही सुंदर दिखाई देंगे, लंबी सी बाहें कलम की हाथी के सूंड के समान उनकी बाहें बहुत लंबी और शक्ति की पेटिका है, शक्ति की खजाना है, राजाओं का सिर उसके समान राजा उसके सिर पर राजाओं के समान एक मुकुट बंधा होगा, शोभा होगी उदय सूर्यकर्ण की, उनके कानों में सोने के कुंडल होंगे जिनकी आभा चमक बहुत सुंदर दिखाई दे रही होगी, नाना रत्ना कलित भुज मयूर के होंगे, उनके भुजाओं में मयूर बंद बने होंगे और विभिन्न प्रकार के आभूषण बंधे होंगे, मोती माला लसित उनका कंबूसा कंठ होगा, उनके उस गले में मोतियों की समान एक मोतियों की माला पड़ी होगी जिससे वे और अधिक शोभायमान दिखाई दे रहे होंगे। हे हवा तेरे में ये न गुण जो गुण बैठाई सुनाई, हे हवा मैं समझती हूँ कि तेरे में वो गुण नहीं है जो तू मेरी दुखों को मेरी व्यथा को बोल करके बता दे, मैं जानती हूँ व्यापारों को प्रखर मति को युक्ति चलाना, परंतु तू अपने दिमाग से प्रखर से तेज बुद्धि से युक्ति से काम करना, दिमाग से काम करना, कैसे बैठे हो इस सदन में मेघ सी कांति वाले वे बादल के समान चमक वाले मेरे स्वामी, अगर अपने सदन में बैठे हो घर में बैठे हो तो चित्रों को भवन में ध्यान से देख जाना, उस भवन में जितने चित्र लगे हैं उन्हें बड़े ध्यान से देखना, और जो चित्रों में विरह ध्रुवों का कोई चित्र मिले, अगर उन चित्रों में तुझे कोई ऐसा चित्र दिखाई दे जिसमें कोई विरह की धड़कते का चित्र हो तो जाके संगीत उसको भाव से हिलाना, तो जाकर के उस चित्र को ऐसे हिला देना जिससे उनका ध्यान उस चित्र की ओर पड़ जाए, आशा हो सुक्ति हुआ सकेगी उनकी, मुझे आशा है उस चित्र को देख करके उन्हें हमारी याद आ जाएगी। हे हवा मैं समझती हूँ तू कोई भी बात बता करके तेरे में वो गुण नहीं है मेरी व्यथा को तू बोल करके बता सके, परंतु फिर भी तुझे युक्ति से काम लेना है, तेज बुद्धि से काम लेना है, तू सबसे पहले देखना अगर मेरे स्वामी मेघ सी कांति वाले चमक वाले किसी अपने घर में बैठे हो तो तुझे क्या करना है, उस सदन में उस घर में जितने भी चित्र लगे उन्हें आराम से देख करके आना, देखना अगर कहीं उसमें विरह तड़पती किसी बाला का चित्र हो
तो उस चित्र को तू एकदम से हिलाना जिससे उनका ध्यान चकित होकर के उस चित्र की ओर पड़े और हम तड़पती है मैं तड़पती बालाओं की उन्हें याद आ जाए। इस तरह इस प्रकार जैसे उपाध्याय जी ने हवा के द्वारा माता यशोदा जी राधा जी का दिखे व्यथा को व्यक्त किया है और व्यक्त करने के लिए कहती है, ये बातें आपकी समझ में आई होगी। आज का टॉपिक हम यही खत्म करते हैं और मुझे आशा है कि आप इस वर्ग को साथ साथ रफ खोल कर करने की कोशिश करेंगे और अपने इस चैनल की प्रसिद्धि के लिए इस चैनल को अपने साथियों के साथ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें। धन्यवाद।